भिवानी के नेहरू पार्क में सैकड़ों आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आशा वर्कर और सीटू कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू जिला प्रधान राम बेहर सिंह ने कहा कि अम्बाला में आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के आह्वान पर राज्य स्तरीय अपनी मांगों को लेकर रैली थी। आशा वर्करों की संख्या और तैयारियों को देखकर हरियाणा सरकार डर गई है, जिस वजह से अम्बाला शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डरी हुई सरकार ने राज्य भर में सैकड़ों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारा अम्बाला जाने का प्रोग्राम था सब बहनों का, जो 2018 की मांगों के लिए, तो यहाँ की सरकार ने पुलिस के प्रशासन के पास इतना बहुत व्यवहार करवाया है, जो कि कल वाला तो बहुत ही निंदनीय प्रोग्राम करे। तो क्या अम्बाला में आपकी बात सुनी गई? अम्बाला में बात हमारी कहाँ सुनी गई? सत्य पूछने नहीं दिए, रास्ते में रोक दिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम सुशीला है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। हम सुबह सुबह कल 7:30 बजे पुराना बस स्टैंड पे आए, जो ही हम बसों में बैठने के लिए तैयार हुए, सीआईडी वालों ने और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ धक्का मुक्की करके बहुत बदतमीजी से पेश आए। हमको बसों से नीचे गिराया गया, हमारे साथ बहुत गाली गलौज किया गया, हमारे साथ मारपीट की गई। ये बहुत निंदनीय है। हमारे अंदर ऐसा हो के अंदर जोश है, कल भी हमने उसका विरोध प्रदर्शन किया था। आज तमाम हरियाणा के आशा वर्कर अपने जिला हेडक्वार्टर पर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रही है और आगे के आंदोलन की घोषणा आज ही की जाएगी, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज ही हमें ये अनिल विज का उतरा फूका है। इस विरोध में कल अम्बाला आशा वर्कर में पहने जा रही थी हमारी अपनी मांगों को लेकर, जो 2018 में जो मांगे रखी थी सरकार ने आज को लागू नहीं किया। हमारा बकाया वो दिया जाए और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बजाय सरकार ने बेवकूफी से प्रशासन को पेश किया और महिलाओं को धक्का मुक्की करके जबरदस्ती थाने के अंदर और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, आशा वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर अकेले नहीं है, पूरा जन आंदोलन के साथ है। सरकार ने आखिर में इनकी मांगों को मानना पड़ेगा और जिस तरीके हम की धमकी दे रहे हैं, हम धमकी से डरने वाले नहीं है। यूनियन जिला सचिव सुशीला ने कहा कि आशा वर्करों ने 2017-18 में यूनियन के आंदोलन हड़ताल के समझौता वार्ता में हरियाणा सरकार ने भरी पंचायत में समझौता किया था, लेकिन आज सरकार अपने वादे से मुकर गई, इसलिए सरकार मांग मानने की बजाय दमनकारी नीति अपना रही है, जिससे आशा वर्करों में भारी रोष है। आशा वर्करों ने साफ तौर पर कहा है कि वो सरकार से डरने वाली नहीं है, बल्कि सरकार के दमनकारी रवैये का मुंहतोड़ जवाब देगी और अपना हक लेके रहेंगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।